आज मैं एक चैलेंज रख रहा हूँ कि मैं दिन भर न्यूज़ रिपोर्टर की तरह बोलूँगा और मैं न्यूज़ रिपोर्टर की तरह रहूँगा। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं गधा स्कूल को इतना बड़ा बोझ लेके जाने लग गया हूँ और ये देखो पीछे से हमारा कलवा भी जा रहा है और देखो यहाँ पे दादाजी खड़े हुए हैं जिसके आप देख सकते हैं। हाँ वो कुत्ता है वहाँ पे, वो अलग बात है। तो देखो दोस्तों हम लोग भी स्कूल जाने लग गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा लगा है, सुबह का मौसम है। देखो मौसम और देखो वो छोटी मोटी वहाँ से आ रही है चलते हुए और छोटी 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 तेज जो क्या देखते हैं कितनी तेज होती है और ये आ गई। और ये देखो आज ये है हमारे पूरे दिन का कैमरामैन, तो ये कैमरा पकड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसा कैमरा पकड़ता है दिन भर। तो देखो दोस्तों धीरे धीरे धूप आने लग गई है, कभी कोहरा लगा हुआ है। तो मैं दोस्तों मेरे स्कूल को जा रहा हूँ, अभी हमें रोड में आए हैं, अभी थोड़ी देर में बस आ जाएगी और यहाँ पे दादाजी खड़े हो जाए। दादाजी से पूछते हैं कुछ। दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों को छोड़ने आया यार, बस आएगी बच्चे बस में छोड़ने। और बताओ ठंडा कितना हो रहा है? ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे यार ये न्यूज़ रिपोर्टर छोटा होगा, इसको उठाना पड़ेगा। ठंडा बहुत ज्यादा हो गया, सुबह शाम दिन में तगड़ी धूप लग रही है। ये रास्ते में बाइक आ रही है। तो दोस्तों हमने इस ठंडे के दिन में आखिर हमने पूछ दिया है कुछ लोगों से, तो अब हम स्कूल आते हैं गधे वाला बोझ लेके। इसने अपना बोझ दादाजी को दे दिया है, तो चलो अभी हम स्कूल से आके आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए गधे स्कूल जा रहे हैं, तब तक के लिए कलवा बाय बाय कहना चाहती है, बाय बाय। तो दोस्तों बगल वाला कुत्ता अपने दोस्त गधे से मिलने आ गया है। देखो ये बगल वाले घर का कुत्ता है जिसके बारे में बात करते हैं, इसका नाम हमने ललवा रखा है क्योंकि ये लाल कलर का है। ये हमारा कुत्ता नहीं है लेकिन मेरे ऊपर चढ़ते रहते हैं। और देखो दोस्तों इसके यहाँ पे मिट्टी लगी है, ये अपने को चाटते रहते हैं दिन भर। और ये देखो यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखिए ये हमारा ललवा, आजा ललवा। तो चलो ललवा से पूछते हैं, चलो ललवा से पूछो आजकल ठंडी हो रही है नहीं, ललवा बोले बहुत ठंडी हो रही है। ये देखो ये हमारा ललवा जो कि दिन भर गले लगते रहता है। देखो गुड मॉर्निंग ललवा, देखो ललवा दिन भर गुड मॉर्निंग कहता है। ये देखो ललवा, और ये देखो ललवा, और ये देखो कैमरामैन के पास जाते हुए, कैमरामैन के पास जाते हुए ललवा। और इसके कान देखो कितने अच्छे, इसकी पूछ देखो जलेबी जैसी। ये दिए ललवा भी स्कूल जाने लग जाएगा, ललवा बड़ा हो जाएगा। ये देखो ललवा कितना प्यारा है। तो चलो अब मिलते हैं बस आने के बाद या फिर स्कूल जाने के बाद। तब तक के लिए बाय 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 बाय। तो देखो दोस्तों यहाँ से बस आ गई है और देखो हम दोनों टमाटर गधे का बोझ लेके जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे आलू खड़े हैं ब्राउन कलर के। तो अब मैं अपना चैलेंज स्कूल से आके कंटिन्यू करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग स्कूल से आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चैलेंज रखा था कि हम लोग ये कैमरामैन रहेंगे और मैं रिपोर्टर की तरह बात करूंगा और दिन भर रिपोर्टर की तरह रहेंगे। तो दोस्तों देखो हम लोग अपने मतलब स्कूल में जाके एक ड्यूटी मान लो ड्यूटी करके आ गए हैं। तो दोस्तों देखो अभी हम अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अभी व्लॉग बना रहे हैं मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों ये देखो कैमरामैन भी स्कूल से आ गए हैं, मैं भी स्कूल से आ गया हूँ। तो देखो देखो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज की न्यूज़ में हम आपको दिखाने वाले हैं। देखो आज का मौसम देख सकते हैं आप लोग, अभी बहुत तेज धूप आई हुई है और देखो रोज की तरह हम लोग भी छत में आ रखे हैं धूप सेकने। और देखो वो वहाँ पे भी कुछ लोग धूप सेक रहे हैं छत में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो कि हमेशा धूप सेकते रहते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्कूल से भी आ चुके हैं, तो दोस्तों अभी हम होमवर्क भी करेंगे अभी शाम के 4 बजे। मेरा तो होमवर्क ही नहीं आता है, तो अभी तक चाय भी नहीं बनी है सुबह की। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ से कुत्ता भी हमको अपने को व्लॉग में लेने के लिए हमसे पूछ रहा है। तो देखो हम लोग ने उसको भी व्लॉग में ले लिया है, आप लोग कुत्ते को देख सकते हैं। देखो वहाँ से वो भी अपने को व्लॉग में लेने के लिए वहाँ से हमको देखे जा रहा है। तो अभी हम होमवर्क भी करेंगे, अभी तक चाय भी नहीं बनी है, शाम की चाय भी नहीं बनी हुई है अभी तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मौसम भी देख सकते हैं। और हम लोग स्कूल से आके सुबह वो सेकने में लगे हैं और थोड़ा बहुत आप यहाँ का हरा भरा सीन देख लीजिए। और देखिए यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ, ये वो देखिए वहाँ से किट्टू भी अब हमको अपने को ब्लॉग में लेने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हम खेत में जो है हगने के लिए गया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वो देखिए आपको सफेद सफेद कलर का हीरा चमकता हुआ वहाँ पे दिख रहा होगा। और नीचे देखिए वहाँ पे बुआ जूते पहन रही है, मिस्टर बू ऊपर देखिए फटा। और बताइए आप जूते पहन रहे हैं, आपको क्या ज्यादा ही ठंडी लग रही है? देखो बुआ हाँ, तो बुआ के बड़े बड़े डायनो जैसे बाल अभी आप देख सकते हैं। देखिए डायनो के बाल लंबे डायनो के ही नहीं होते हैं, माता रानी के भी होते हैं। सही बात सही बात। देखो 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 कुत्तू वहाँ पे हगने चले गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सहीरा वहाँ पे सफेद कलर का हगने चले जा चुका है। और यहाँ पे कलवा भी यहाँ पे स्कूल से आके अपनी आँख खुजा रहा है और हगमूत रहा है, तो जैसे कि आप लोग स्कूल भी देख सकते हैं यहाँ पे।
तो देखो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे चादर वादर गिर गई है, तो देखो यहाँ पे छोटी वहाँ उतरने के बारे में सोचने वाली है वो। देखो वहाँ पे से डायन मेरा वाला बुआ भी उठ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मम्मी भी है, मम्मी बुआ आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटी नीचे जाने वाली है। और ये देखो यहाँ से बुआ आ गई, डायन मारोगे ना, देख लो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा सब कुछ, देख लो ये रिकॉर्ड हो गया, मैं डाल दूंगा ऐसी देख लेना। तो देखो देखो यहाँ पे बुआ भी यहाँ पे आने लगती है, देखो बुआ मुझको मार रही है, मैं करूंगा दिशुम दिशुम दिशुम, ये देखो ओ कैमरे में चुम्मा कर रहे हैं और मेरे को निकल रहा। दोस्तों अब हम इसको नीचे भेजने वाले हैं और बुआ कैमरा पकड़ेगी, लो पकड़ो बुआ कैमरा। मैं बनी हूँ कैमरामैन, मैं तो न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, फटाफट बोलो देखते हैं इनकी रिपोर्टिंग। छोटी को हमने छोड़ दिया नीचे, छोटी यहाँ पे चप्पल उठाने में मतलब चादर उठाने चली गई है, अब चादर उठाने गई है छोटी। देखो अब इसको मैडम छत में आते हैं लेकिन इनको ये पता नहीं कि चादर यहाँ गिरी हुई है। तो देखो दोस्तों चादर गिर गई है, अब चलो चलते हैं। ये है आपका कैमरा, अब ये जो है ये छोटी को लेके नहीं आ रहा है, तो भी एक काम करते हैं इसको भी ऊपर खींच लेते हैं फटाफट। और ये देखिए यहाँ पे चिपकली को भी ऊपर हम दीवार में खींच रहे हैं। अरे अरे आराम से आराम से आराम से, लेकिन अब इसको दीवार में चल नहीं आता, तो जैसे ये देखो इनके हो रही है फाइट, ये हो गया। हम लोग भी छत में आए हुए हैं और यहाँ पे बुआ भी छत में आ गई है, बुआ चादर पकड़ेगी, मैं फोन पकड़ूंगा। देखो हमने बुआ को काम दे दिया है और कैमरामैन फिर से कैमरा पकड़ते हुए, तो अब हम आपको नीचे दिखाते हैं। आज सुबह बताए बुआ, तो देखो जैसे हम लोग अभी अपने न्यूज रिपोर्टर वाले ऑफिस से नीचे जा रहे हैं, देखो 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 और चलो आप लोगों को दादाजी से मिलाते हैं। तो देखो यहाँ पे दादाजी और दादी दोनों हैं। और दादी बताओ क्या कर रहे हो? बस खड़ा हुआ, सुपरविजन हो रहा है। देखो दादी को दादाजी घूरते हुए, और देखो यहाँ पे दादी ओए खेत में गया, अरे उठ। और दादी आप बताओ आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा चलो फिर दादी यहाँ पे अदरक गोड़ रही हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओए गिर गई कैमरा मैन, हमारा गिर गया, चलो कैमरा मैन फिर से उठाए गए हैं। और ये देखो बुआ, तो चलो अब आपको एक बार मम्मी से भी मिला के आते हैं फटाफट। तो देखो हमारा कैमरा मैन जो है वो ज्यादा छोटा हो गया है, पूरा फोन खिल जा रहा है इसके दौर में धीरे। अरे यार कैमरा क्यों हिला रहा है इतना, कैमरा मत चला कह रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे मम्मी चाय बना रही है, मम्मी क्या आपकी चाय बन गई? तो देखो दोस्तों चाय बन गई। अरे यार इतना छोटा पड़ गया, देखो काली चाय मम्मी, और यह चाय और हम पिएंगे मतलब हम भी। और यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं, चलो देखो यहाँ पे पापा देख रहे हैं टीवी। तो दोस्तों न्यूज रिपोर्टर क्वेश्चन पूछते हैं, तो दादाजी हमसे क्वेश्चन पूछेंगे न्यूज रिपोर्टर। एक ऐसा वो मीनिंग बताओ जिसका मतलब जाना भी होता है आना भी होता है, क्या कौन सा शब्द है वो? पक्का नहीं होगा, सुबह भी पूछा था जाना और आना इंग्लिश में। कोई फल है? नहीं वो है, जगह का नाम है। अच्छा जगह का नाम जाना और आना हो गया, जगह में जाते हैं, जगह का नाम ही ऐसा है। तुमको बता दिया क्या? दादी को आ गया आंसर, तुमको आंसर? अरे दादी को आ गया। दादी क्या? नहीं आगरा नहीं, गोवा। अरे हाँ गोवा। एक ऐसे उसका नाम सब्जी का नाम बताओ जिसमें ताला चाबी का मतलब वो आ जाए। ये क्या हो सकता है दोस्तों, कमेंट में बताओ। लौकी, लौकी लौकी कैसी हुआ लौकी, समझा मेरे को। लॉक मतलब ताला और की मतलब चाबी, लौकी। ओके ओके यू आर सक्सेस। तो चलो दोस्तों अभी हम आपको खेत मखने वाला दिखाते हैं, तो चलो खेत मखने वाला दिखाते हैं। तो देखो दादाजी एक और फल का नाम बता जिसमें फल का भी नाम आ जाए और उसका भी नाम आ जाए, है मिठाई का क्या गलत एक ऐसी मिठाई का नाम बता जिसमें फूल का नाम आ जाए फल का नाम भी आएगा। एक ऐसी मिठाई का नाम बता ना जिसमें फल का नाम भी आ जाए उसे और फूल का नाम भी आ जाए। तो दोस्तों ये हमको छोटी सोच के बताएगी। छोटी वो तेरी फेवरेट मिठाई है, सोच
ये तो डब्बे से ब्लैक ब्लैक निकाल के खाती है। ये तो क्लास में टॉपर है, ये नहीं पता भाई। तो चलो दोस्तों, छोटी बताने वाली है गुलाब जामुन। हाँ, छोटी ने सही जवाब दिया। ओके ओके, यू आर राइट। तो चलो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं फटाफट खेत में हगने वाला कहाँ गया। वो खेत में हगने वाला कहाँ गया? तो दोस्तों चलिए, हम फटाफट आप लोगों को हम खेत में हगने वाले को दिखाते हैं। अभी वो जैसे कि आप लोगों को छत से दिख रहा था खेत में हगने वाला, कहाँ गया वो खेत में हगने वाला को हम ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों खेत में हगने वाला अभी हमको मिल नहीं रहा है। खेत में हगने वाला खेत में ही मिलेगा, इसलिए हम खेत में ही ढूंढ रहे हैं। खेत में हगने वाला अभी वो हीरा हमको दिख नहीं रहा है। तो चलो दोस्तों, तक हम आपको छोटा सा सफेद हीरा। तो चलो दोस्तों, हम आपको कुछ और दिखाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे अपने दो तीन भैंस। देखो ये है मुबले चपोड़े जैसे दो तीन भैंस। देखो देखो इसकी शक्ल देख सकते हैं आप लोग। इसका नाम है डिंपली। हाँ, ये भैंस कम और गधा ज्यादा लगता है। इसकी शक्ल देख लो, देखो इसके नाक, देखो इसके नाक से बहुत ज्यादा, और ठंडियों के दिनों में इसके नाक से बहुत ज्यादा सिंगार निकल रहा है, जिसके आप लोग देख सकते हैं। छोटी इसका सिंगार रोज रोज आके चाटते हैं। टाइम टाइम पे आती है और चाटते रहती है, जिसके आंखें देख सकते हैं बहुत ही भयंकर दिख रही है। और इसके बाल देखिए, लगता है इसके बाल कटाने बार बार के बाद नहीं जाता है। और इसको देखिए दोस्तों, अपने जो है खोपड़े में खुजली करते हुए, दिमाग है नहीं इसके बाद फिर भी। ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आपको ये हमारा ये रिपोर्टर वाला चैलेंज वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप कमेंट में बताइएगा। और अगर हम इस ब्लॉग अगर हम इस चैलेंज को कल भी कंटिन्यू करें, उसके लिए भी अगर आपका एक यस, किसी भी सब्सक्राइबर का एक यस मैसेज भी आ गया, तो कमेंट भी आ गया, तो हम ये चैलेंज कल भी करेंगे। और ये कैमरामैन, या फिर कल को मैं कैमरामैन रहूँगा या फिर ये रिपोर्टर रहेगी, वैसे ये भी आप कमेंट कर देना। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आह।